यहाँ राम नगरी है तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ क्या होना चाहिए। योगी जी है, भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया है, बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया, उसका शिलान्यास कर दिया। बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है, धीरे धीरे सही हो रहा है। करने में और बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बीजेपी को बीजेपी महंगाई वगैरह ज्यादा है तो दुपक्षी राजनीति की जाती है, ये भी कम पसंद है। आपका स्वागत है अस्थिर न्यूज में, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। हम इस वक्त मौजूद है अयोध्या, प्रभु राम की जन्मस्थली। अयोध्या आज सियासत का केंद्र बन चुका हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश इसको एक तरीके से सियासत का केंद्र मानता है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी 2022 के चुनाव में चुनावी मैदान में आगे जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी को जवाब देने के इरादे से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आज हम जानेंगे अयोध्या की आवाम यानी कि अयोध्या से जनता को, अयोध्या की जनता को, कि वो चुनावी रंजिश को लेकर क्या चुनती है, किस सरकार को सत्ते में लाती है। हम आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या की जनता के बीच और उनका रुख जानते हैं कि उनके दिमाग में इस समय उनके मत क्या मत चल रहे हैं। आप लोग वोट डालने जाते हैं जी? इस बार किसको चुन रहे हैं आप? योगी जी को। योगी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। आप भी वोट डालने जाते ही होंगे? योगी। आप युवा हैं एक तरीके से, आप योगी को क्यों चुन रहे हैं? क्या रोजगार के अवसर उन्होंने दिए हैं? बहुत बढ़िया दिए हैं। युवाओं का तो कहना है कि इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जो भी वैकेंसियाँ हैं वो सारी रद्द हो गई हैं, बहुत टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई, इस पर आप क्या कहें? वो गलत बोल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, योगी जी ही आएंगे इस बार भी, योगी जी ही आएंगे। और भी यहाँ पे योगी जी से एक चीज़ कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी भर्ती निकलवा दे बस, बहुत जल्दी, 5 साल हो गया एक भी बार भर्ती नहीं। जब भर्ती नहीं आ रही है तभी भी आपकी बीजेपी कोई, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, जल्दी निकलवाएंगे ये भी विश्वास। पवन वर्मा सर, चुनाव पास में है, ऐसे में आप किसको चुन रहे हैं इस बार, बसपा सपा या बीजेपी? नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी कहने में कह नहीं सकता क्लियर, अभी तो दर्शन करने आपके निगाहों से कौन सी सरकार? अभी तो नया साल है, आज तो नए साल की शुरुआत जो है हनुमान जी के दर्शन से कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आज का दिन जो शुरुआत हुआ है, सुबह से ही हनुमानगढ़ी पर आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आए। फिर भी सर आप यहाँ पे रहते हैं, आपको पता होगा कि कौन सी पार्टी आपकी नज़र में बहुत अच्छा। अब यहाँ राम नगरी है तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ क्या होना चाहिए। तो किसको लेके आएंगे अब? बीजेपी आएगी, इसमें क्या कहना है? सर आपका नाम? देवेंद्र प्रताप। सर चुनाव पास में आप किसको चुनना चाहेंगे इस बार? चुनाव पास में है, देखिए अब वैसे तो भगवान है, भाजपा को देखा जाएगा। भाजपा ही क्यों सर, क्या भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए? भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या क्या काम आप कुछ बता सकते हैं? गरीबों, सबसे मेन काम मुद्दा तो मंदिर वाला हल हुआ है सर। मंदिर निर्माण ही क्या बेरोजगारी और महंगाई को खत्म कर देगा? नहीं, ये तो मेन बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी खत्म करने की तमाम नौकरियाँ इन्होंने दी है, कई विभागों में नौकरी मतलब अभी प्रक्रिया चल भी रही है, कई में हो चुका है। पर किसको चुन रहे हैं इस बार? तो अभी विचार करना पड़ेगा किसको चुने किसको न चुने। इससे पहले आपने किसको जिताया? इसके पहले तो इन्हीं को जिताया था, मोदी जी को। किस मोदी जी को? हाँ, तो इस बार मोदी क्यों? सरकार बनी थी, इस बार थोड़ा विचार कर रहे हैं, महंगाई वगैरह ज्यादा। अंकल क्या कोई नाराजगी है इस बार मोदी को लेकर? महंगाई वगैरह ज्यादा है, महंगाई को लेकर जी बहुत बिल्कुल नाराजगी है। और ये जो कोरोना है इसको लेकर के जो द्विपक्षीय राजनीति की जाती है ये भी कम पसंद है, क्योंकि चुनाव जब होता है तो भीड़ नहीं मानी जाती है, और शिक्षालय हैं, विद्यालय हैं, अध्यापक हैं, और जो प्राइवेट स्कूल हैं इन पर बहुत गाज गिर पड़ी है, इनके विषय में सोचना पड़ेगा। क्या इससे पहले जब विपक्ष की पार्टियां थी तो ऐसा कुछ नहीं था? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब बीजेपी आई आप इससे पहले बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार आप बीजेपी से नाराज है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे पहले जो विपक्षी पार्टियां थी उनके राज में ऐसा कुछ नहीं था? देखिए राजनीति में उलटफेर लगा रहता है, और एक चीज 5 साल के लिए बनाई जाती है देखने के लिए ही, उसके बाद दोबारा फिर मौका दिया जाता है कि किसी दूसरे को हो सकता कोई सुधार ज्यादा कर जाए। इस बार आप दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहते हैं? अब विचार कर रहे हैं अभी। क्या आप एक युवा है, इस बार किसको सत्ता मिला रहे हैं? इस बार किसको सत्ता मिला रहे हैं? देखिए इस बार मेरा तो अभी एज नहीं वोट देने की, तभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है भैया, इस बार किसको लेके आ रहे हैं सत्ता में, बीजेपी बसपा या सपा? अभी कोई कुछ पता नहीं। अंकल इस बार किसको सत्ता मिला रहे हैं, बीजेपी बसपा या सपा? बीजेपी।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी क्यों? क्यों क्या, देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय, समाजवादी पार्टी ही जो देश का विकास कर सकते। सारे समाजवादी के कार्यों को बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया, उसका शिलान्यास कर दिया, तो इसका मतलब उन्होंने विकास थोड़ी न कर दिया। आप गांव-गांव जाके देखिए, कोई भी खेत बचा नहीं है। पहले किसान 20,000 की लागत से एक बीघा खेत बीजेपी वालों का है, उसके बाद गाय से बचा पाता है किसी तरह। देखिए किसानों की कितनी। बीजेपी का तो कहना है, हमने और भी जनता से बात की, उनका तो कहना है कि राम मंदिर बन रहा है, सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। हम भी तो जनता ही है, ऐसे ही जनता का कहना है। जब जनता से आप एक्चुअल में पूछेंगे तो ग्राउंड रिपोर्ट पता चल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी फेल है? बिल्कुल 50-50 की लड़ाई है। तो आप इस बार किसको लड़ रहे हैं? जो लड़ाई एक तरफा बीजेपी की लग रही थी, वो इस समय 50-50 पे चल रही है। अगर आगे मुद्दों को भुना ले गई सपा तो रेशियो और सपा के पक्ष। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं ऐसा कि पहले जो अखिलेश यादव थे। अभी मैं गोंडा की धरती से आता हूँ, बजाज चीनी मिल ने 2 साल से किसानों का पैसा नहीं दिया हुआ है, और 6 दिनों से हमारे भाई धरना, किसान भाई धरना दे रहे हैं, और बीजेपी नेताओं के द्वारा आंदोलन को कुचलने की चेष्टा की जा रही है। किसी भी बीजेपी के छोटा से भी कार्यकर्ता उस धरने में नहीं गया है, न सपोर्ट किया है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा के रहने वाले हैं, और लेकिन ये आप गोंडा के ही हैं, यहीं के लोकल ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का क्या है, वो तो अयोध्या की तरफ कभी देखते भी नहीं थे, लेकिन जब से उनका चुनावी रंजिश चल रही है तब से वो अयोध्या की ओर उनका मुख मुड़ चुका है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए समय की बात है, कभी मुस्लिम वोटो को पोलराइज किया गया था, अब हिंदू वोटो को पोलराइज करेगी। अब कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी वो हिंदुओं की तरफ ध्यान देगी, अब समय बदल चुका है। सर आप हनुमानगढ़ी आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आपके अखिलेश यादव जो हैं वो तो कभी आए आता है, हर मंगलवार को आते हैं। ऐसा नहीं कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वही हनुमानगढ़ी आता है। अखिलेश यादव तो कभी भी अयोध्या की तरफ नहीं देखते, वो तो प्रभु राम को भी नहीं मानते थे, जब से चुनावी रंजिश में आए हुए हैं तब से वो प्रभु राम को भी मानने लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए हो सकता है अब मानने लगे, मानने थे, हो सकता है उनके पास दिखावा ना रहा हो सकता है अब सत्ता में आने के बाद वो बजरंग बली के दर्शन करने जरूर आएंगे। आप युवा हैं, बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी उनके अखिलेश के जब अखिलेश का टाइम आएगा तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी के मुद्दे पर मैं किसी भी पार्टी को नहीं घेरना चाहूंगा, जो युवा वास्तव में मेहनत करेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, उसके लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर खुले हुए हैं। मेरे परिवार में सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो मेहनत करेगा प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में आगे बढ़ेगा। बीजेपी रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर के फेल है या पास? फेल है, पूरा फेल है। महंगाई आपको नहीं लग रही है क्या? महंगाई पे बिल्कुल फेल है। जिस मुद्दे पर ये सरकार में आए थे, मोदी जी अपने रैलियों में कहते थे 40 में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, वह 100 में पेट्रोल भरा रहे हैं। 2-4 रुपए, 6 रुपए घटाने से 100 बार बढ़ाने के बाद जनता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सपा आएगी तो इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाए? नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वहां तक तो कंट्रोल रहेगा। आपका कहने का मतलब है परिवर्तन जरूरी है। वोट देने जाते हैं जी, इस बार किसको ला रहे हैं, बसपा, बस सपा या नहीं? हम तो भाजपा को लाएंगे। भाजपा ही क्यों सर? भाजपा ने काम किया है। क्या क्या काम किया है? क्या काम नहीं किया है? पहला नंबर तो सबको फ्री राशन मिल रहा है, गरीब जनता जो है हमारा खुशहाल है, 2-2 बार राशन मिल रहा है उसको, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, तेल नमक मिल रहा है। और लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई है इसलिए हम मान रहे हैं, लेकिन महंगाई किस चीज़ पे है? कड़वा तेल पे महंगाई है। भैया आपका नाम? संजय यादव। आप वोट देते हैं? वोट देने जाते हैं आप? इस समय इस बार विधानसभा का चुनाव पास में है, ऐसे में आप किसको चुनना चाहेंगे? सपा से अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही क्यों? हमारी पसंद। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं और भी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी आ रही है, वो विधानसभा चुनाव तो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, अब की हमारी सरकार आएगी, सपा की लहर है। भैया का कहना है कि इस बार सपा की लहर है। आइए हम यहाँ पे और लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? इंद्र सेन यादव। सर विधानसभा का चुनाव पास में है, ऐसे में आप किस पार्टी को विधानसभा तक लेके? देखिए मैम, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं किसी पार्टी जो भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप वोट तो देने जाते होंगे ना? नहीं, वोट डलवाने जाते हैं। चलिए ठीक है, एक सर हमारे साथ और मौजूद हैं। सर आपका नाम? गिरधर अग्रवाल। सर आप चुनाव आ रहा है पास में, आप इस बार किसको चुनेंगे? अभी तो मोदी जी को ही चुनेंगे। मोदी ही क्यों? और बाकी पार्टियां तो कह रही हैं उनकी सरकार विधानसभा तक जा रही है। ऐसा तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। सपा वाले भी कह रहे हैं और बाकी बहुजन पार्टी भी कह रही है। सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ऐसा नहीं। आपको भाजपा में कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया? बहुत काम, सड़कें बनी है, तमाम काम हुए हैं। आप अयोध्या के निवासी हैं? सर आप अयोध्या के निवासी हैं? अयोध्या में क्या विकास हुआ है? अयोध्या में बहुत विकास हुआ और विकास हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। सर का कहना है कि भाजपा जाएगी विधानसभा तक। आइए हम यहाँ पे और लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मैं
सर आपका नाम? मैं एसपी तिवारी। सर वोट देने जाते होंगे आप, इस बार किसको विधानसभा चुनाव तक लेके जाएंगे? भाजपा को। भाजपा ही क्यों? ये काम अच्छा है योगी जी का। वही एक काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा। काम ही काम है मैम, धारा 370 हटी भाजपा की वजह से। इसके बाद में अपना अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का चारों तरफ से विकास हो रहा है, तो हमको लोकल होने के नाते तो अयोध्या को ही सपोर्ट। आपका कहना मतलब है अयोध्या में चुनाव, अयोध्या में विकास हुए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक महिला भी मौजूद है, आइए हम जानते हैं कि ये किसको वोट देंगी। मैम आप इस बार किसको वोट देंगी? हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। मैम भाजपा ही क्यों? भाजपा से ज्यादा अच्छी कोई सरकार है ही नहीं, कोई बनाने लायक ही नहीं है। मैम बाकी अन्य पार्टियां तो कह रही हैं वो विधानसभा तक जा रही हैं। वो तो पिछले 60 सालों में बहुत अच्छे से पता चल चुका है जनता को कि कौन कितना अच्छा है। मैम क्या आप यहीं की लोकल ही रहने वाली हैं? आपको आपकी नज़र में क्या अयोध्या में क्या विकास जो अयोध्या में बहुत विकास हुआ है, अयोध्या फैजाबाद में दोनों में बहुत विकास हुआ है, और अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है, और उसके अलावा भी और बहुत विकास हुआ है। मैम आप एक महिला हैं, आप क्या भाजपा की सरकार में महिलाओं के लिए क्या कानून बने हैं और क्या काम हुए हैं? बहुत अच्छे अच्छे काम महिलाओं के लिए हुए हैं। पहले तो मुस्लिम जात के लिए जो 3 तलाक वाला कार्य था वो भी सबसे अच्छा किया उन्होंने मोदी जी ने, जो कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अनुचित कदम था, और अभी महिलाओं के लिए सबके लिए बहुत दिया है उन्होंने। सब सरकार अन्य बांट रही है, सब कर रही है, और सबको गरीबों का ख्याल कर रही है, किसानों का ख्याल कर रही है, और व्यापारियों के लिए भी कर रही है। तो मैम आपसे एक सवाल और, आज तो अमित शाह आपके अयोध्या में आए हैं, आपको क्या लगता है उनकी क्या रणनीति है? वो यहाँ पे किस रणनीति से यहाँ पे आए हुए हैं? क्या उनको अयोध्या का जो धार्मिक उनका लगाव है वो खींच लाया है, या फिर वो राजनीतिक प्रचंड लहराने के लिए यहाँ पे आए? नहीं नहीं, वो अपने कार्य से आए हैं, और जो कार्य उनका है वो कार्य करके हो जाएंगे ना, तो कोई धर्म की बात है और राजनीति की भी कोई बात नहीं है। मेन बात यह है कि जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है भाजपा की सरकार में, भाजपा की सरकार में, यही एक अच्छी चीज़ है। भैया विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में इस बार आप किसको चुन रहे हैं? वोट देने तो जाते ही होंगे इस बार, वही योगी हैं। और कौन है? योगी है। हाँ, योगी ही क्यों सर? उनके काम, वो काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए। बाकी अन्य पार्टियां तो कह रही हैं विधानसभा तो अगली बार जो कर रहा वही दिख रहा है, तो उन्हीं के बाद। भैया वोट डालने तो जाते ही होंगे, विधानसभा में इस बार किसको चुन रहे हैं? योगी। योगी ही क्यों भैया? वो क्योंकि पर्याप्त है। आप वोट डालने जानते ही होंगे? जी जी। इस बार किसको चुन रहे हैं? योगी जी को। योगी, सभी लोगों का कहना है योगी योगी योगी। वोट देने जाते हैं इस बार किसको चुन रहे हैं? भाजपा, सपा या बसपा? भाजपा। भाजपा ही क्यों? क्योंकि भाजपा अच्छा काम करती है इसलिए। आप एक युवा हैं, आपकी नज़र से क्या लगता है, बेरोजगारी नहीं है, रोजगार मिल रहा है लोगों को? बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है, धीरे धीरे सब सही हो रहा है। आपकी नज़र में बीजेपी है? जी जी। अगर आपको 10 में से नंबर देना होगा बीजेपी को तो कितने देंगे? बीजेपी को देंगे। भैया आपका नाम? यावनी शुक्ला। वोट डालने जाते हैं? जी हाँ। इस बार किसको चुन रहे हैं, भाजपा, सपा या बसपा? भाजपा। भाजपा ही क्यों? भाजपा ही क्योंकि हम यहाँ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ, अच्छा और भी काम अच्छा हो रहा है सब कुछ। क्या काम हुआ आपकी नज़र? हमारे नज़र यहाँ अयोध्या में और भी बढ़िया चीज हो गया। वैसे तो अखिलेश यादव भी काम करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं, बस करने में और बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको क्या लगता है बीजेपी क्या राम मंदिर को लेकर के ही सत्ते में आएगी? राम मंदिर के और भी कुछ लेकर आएगी, हमारे यहाँ एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं, बहुत चीज बहुत विकसित करवा रहे हैं। आपके अयोध्या में क्या क्या विकास हुआ? हमारे अयोध्या में बहुत विकास हुआ, राम मंदिर पर्सनली हुआ हमारे अयोध्या में, बाकी हमारे तरफ हाईवे भी पास हुए। वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं? बीजेपी को। बीजेपी 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 क्यों? हमको नहीं पता, हम वोट देते नहीं है भाई साहब, जो जीतेगा उसको वोट। तो आपने जानता कि अयोध्या की जनता क्या क्या रुख है, वो बीजेपी का ही नाम ले रही है। उनका कहना है कि बेरोजगारी नहीं है और राम मंदिर निर्माण हो रहा है। 500 सालों से ये मुद्दा जो है फंसा हुआ था, बीजेपी के आने से ये मुद्दे खत्म हो रहे हैं और राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस वजह से ये लोग बीजेपी को ही चुन रहे हैं। अस्तित न्यूज़ के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या।